जैसे अनटचेबिलिटी है तो वो कविता में आएगी, कहानी में आएगी, उपन्यास में आएगी और बार बार आएगी, हर कवि के उसमें आएगी। जाति जड़गंडा के आधार पर तो उन लोगों ने किताबें लिखी। द चमार जो किताब है वो सेंसस कमिश्नर ने लिखी है। जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर अभिधा में लिखा गया साहित्य है। जैसे ठाकुर का कुआं है, तो अब ठाकुर का कुआं कहीं है आपको दिखाई पड़ रहा है? वो तो लक्षण ही है। बार बार दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की मांग क्यों उठती है फिर? किसी दलित ने ये मांग नहीं उठाई। हंस का जब दलित विशेषांक निकला उसके बाद दोस्त कम और दुश्मन बहुत सारे हो गए। नावरिया के काम से मैं ज़्यादा वाकिफ था नहीं। वैसे मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये लिखते हुए आपके भीतर वो जो अम्बेडकराइट दृष्टि है वो काम कर रही थी क्या? दलितों के बारे में लिखा जाना और दलित द्वारा लिखा जाना, इन दोनों में अंतर है। जाति तोड़ने के प्रश्न पर बात होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति जब किसी को लाभ पहुंचा रही होती है तो व्यक्ति नहीं तोड़ना चाहेगा। आपको लगता नहीं है ऐसे में दलित विमर्श या दलित साहित्य जो है वो जातियों का साहित्य बन के रह गया है एक तरीके से? आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है कि आप उस पूरे समाज को की औरतों को कह दे रहे हैं कि आराम करने वाली औरतें हैं? हो सकता है। हीरा डोम की उस कविता के अलावा कोई साहित्य तो सामने आया नहीं, उनका परिचय तक सामने नहीं आया। स्वामी अच्युतानंद का काम उनसे बहुत पहले का है और 1922 तक तो उन्होंने बहुत काम कर दिया था। आदि धर्म की बात तो बाबू मंगूराम मंगोवालिया भी करते हैं। आदि हिंदू से उनका मतलब ये था कि भारत के मूल निवासी। पहली बार कोई दलित विभाग अध्यक्ष बनता है, कैसे अनुभव रहे? कड़वे भी रहे, मीठे भी रहे। कार्यकाल से खुश रहे अपने? बहुत खुश नहीं रहे। दलित होने का लाभ भी मिला? लाभ भी मिला, ये भी कह सकते हैं। शिवराज सिंह बेचन जी के अंदर बहुत ज़्यादा मैं है। हाँ कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता वो मैं किधर से है।